हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड। ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड क्या है, कब हम इसको यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आइए डिटेल में जानते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड क्या है, आइए जानते हैं। वी नो दैट द सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट्स विद एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड वी मूव टुवर्ड ऑप्टिमेलिटी। व्हेन द कॉन्स्टेंट्स बी आई आर नॉन निगेटिव द सॉल्यूशन इज फिजिबल एंड व्हेन जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो वी रीच्ड टू एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी तक हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा है और उसमें हम जानते हैं कि उसमें हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से और फिर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब सभी कांस्टेंट आपके नॉन निगेटिव मिल जाते हैं, सॉल्यूशन फिजिबल होता है एंड जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो मिल जाता है तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ हमने जो बी आई या जेड जे माइनस सी जे लिए, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो हम अभी तक सिंप्लेक्स मेथड में यूज कर रहे थे। बट इन सर्टेन केसेस सम कांस्टेंट बी आई मे बी नेगेटिव एंड वी गेट इनफिजिबल सॉल्यूशन, बट एट द सेम टाइम ऑप्टिमेलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट इज जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे इन द स्टार्टिंग टेबल। लेकिन कभी कभी कुछ कांस्टेंट बी आई हो सकता है नेगेटिव हो, मतलब हमको इनफिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सभी जेड जे माइनस सी जे स्टार्टिंग टेबल में हमको ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी मिल रहे हैं। सो ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड इज एप्लीकेबल टू दोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट स्टार्ट्स विद इनफिजिबल बट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऐसे केसेस में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ कि हमको प्रॉब्लम जो है इनफिजिबल लेकिन ऑप्टिमम सॉल्यूशन से शुरू मिलती है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड। स्टेप वन, राइट द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। स्टेप टू, इफ द करेंट बेसिक सॉल्यूशन इज फिजिबल वी यूज सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ द करेंट बेसिक सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल, दैट इज सम और ऑल बी आई लेस देन जीरो, गो टू नेक्स्ट स्टेप। इफ बी आई इज लेस देन जीरो फॉर सम आई एंड जेड जे माइनस सी जे इज लेस देन जीरो फॉर सम जे, देन देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। तो सेकेंड स्टेप में हमको अगर करंट बेसिक सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल मिल रहा है, तब तो हम डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, मीन्स बी आई की वैल्यू आपको लेस देन जीरो मिल रही है, एक या अधिक या सभी, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यदि बी आई लेस देन जीरो है किसी आई के लिए और जेड जे माइनस सी जे भी लेस देन जीरो है फॉर सम जे, तब उस केस में प्रोग्राम का जो भी हमको प्रॉब्लम दी है उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। स्टेप थ्री, चेक वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम और नॉट। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, एड एन आर्टिफिशियल कंस्टेंट इन सच ए वे that the condition of optimality must be satisfied. If the solution is optimal, go to the next step. Step 4. Now we select basic variable with most negative value. Then corresponding row become key row and this variable becomes the leaving variable. तो step 4 में हमको देखना है कि अगर हमारे पास कुछ BIs की value नेगेटिव है तो उसमें से हमको मोस्ट नेगेटिव, मान लीजिए वो बी आर है, वो सेलेक्ट करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है वो होगी की रो और वो वेरिएबल लिविंग वेरिएबल होगा। स्टेप 5, फाइंड द रेशियोज जेड जे माइनस सी जे अपॉन
ए आर जे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना हमको, वेयर ए आर जे इज लेस देन जीरो, एंड सेलेक्ट द मिनिमम अमंगेस्ट देम, कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एंटर द बेसिस। तो फोर्थ स्टेप में हमने लिविंग वेरिएबल निकाल लिया, फिफ्थ में हम रेशियो निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे अपॉन ए आर जे की वैल्यू निकालेंगे, जहां ए आर जे जो नेगेटिव है वही हमको सेलेक्ट करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे हम और उनमें से जो मिनिमम है वो हमको सेलेक्ट करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो एंटर करेगी बेसिस में। एग्जामिन द एलिमेंट ऑफ की रो, इफ ऑल ए आर जे ग्रेटर इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। हमको रो को देखना है, अगर सारे एलिमेंट आपके ग्रेटर इक्वल टू जीरो हैं उस रो के, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। स्टेप सिक्स, रिड्यूस द लीडिंग एलिमेंट टू यूनिटी एंड ऑल द एंट्रीज ऑफ द की कॉलम टू जीरो बाय द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये स्टेप हमारा सिंप्लेक्स मेथड जैसा ही है, लीडिंग एलिमेंट जो हमको मिला उसको हमको यूनिटी करना है और उस कॉलम के सारे एलिमेंट को रो ऑपरेशंस लगा के जीरो करना है। स्टेप सेवन, गो टू स्टेप थ्री एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल एन ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज अटेंड, दैट इज बी आई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जे। आइए इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। अप्लाई द 12 सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व मिनिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 3x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 3, x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से होगा। फॉर स्टैंडर्ड टाइप कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टू मैक्सिमाइजेशन टाइप एंड देन कंस्टेंट टू लेस देन इक्वल टू टाइप, वी गेट मैक्सिमाइज डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स माइनस 3x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4x1 माइनस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6, माइनस x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 एंड x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्टेंट बिकम्स w इक्वल टू माइनस z। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पे हमने तीन हमको स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं, तो w इक्वल टू माइनस z इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस 0 इंटू s3। जितने भी स्लैक वेरिएबल हमने यूज़ किए उसको हमने कॉस्ट उनको जीरो दी, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस s1 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4x1 माइनस 3x2 प्लस s2 इक्वल टू माइनस 6, माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस s3 इक्वल टू माइनस 3, x1 x2 s1 s2 s3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे अगर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो वो इनफिजिबल होगा क्योंकि हमको सॉल्यूशन मिलेगा s1 इक्वल टू माइनस 3, s2 इक्वल टू माइनस 6 एंड s3 इक्वल टू माइनस 3। देयरफोर द इनिशियल 12 सिंप्लेक्स टेबल, ये हमको टेबल मिला, हमने जो बेसिक वेरिएबल लिए हैं s1 s2 s3 कॉस्ट 0 0 0, y3 y4 y5 s1 s2 s3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वेक्टर्स लिए हैं, xb मींस बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यूज आई आपकी -3 -6 -3, y1 y2 y3 y4 y5 y1 आपका x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, y2 x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये s1 ये s2 और ये s3 के कॉरस्पॉन्डिंग, इनके कॉस्ट cj हमने ऊपर लिखे हैं। कॉलम वाइज हमने एंट्री की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं -3 -4 -1 पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में -1 -3 -2, थर्ड कॉलम 100, फोर्थ 010 और फिफ्थ 001। अब हम निकालेंगे zj, तो zj आपको मालूम है cby j करते हैं हम, यहाँ से आप करेंगे तो 0 0 0, मतलब 0 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू माइनस 4 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0, ये सारी एंट्रीज आप cby2 cby3 cby4 cby5 निकालेंगे, सब एंट्री देख रहे हैं आप zj की 0। zj माइनस cj करेंगे तो 0 माइनस माइनस 2 मीन्स हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए, सिंस ऑल zj माइनस cj इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट
एक्स बी वन, एक्स बी टू, एक्स बी थ्री, मीन्स जो एस वन, एस टू और एस थ्री हमने बेसिक वेरिएबल लिए हैं, ये सभी लेस देन ज़ीरो हैं। तो हमारा मेथड बोलता है कि अगर ऐसा है तो वी हैव टू सेलेक्ट ए बेसिस वेक्टर टू लीव द बेसिस एंड ए नॉन बेसिक वेक्टर टू एंटर द बेसिस टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमने मैक्सिमम मिनिमम चूज़ किया एक्स बी लेस देन ज़ीरो के लिए। तो एक्स बी आई लेस देन ज़ीरो में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मिनिमम ऑफ माइनस थ्री, माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, माइनस थ्री, विच इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स जो है मोस्ट नेगेटिव आपको मिला, इक्वल टू जो कि है एक्स बी टू के कॉरस्पॉन्डिंग, देयर फोर वाई फोर लीव द बेसिस। यहाँ देखिए y4 जो है ये बेसिस से हटेगा क्योंकि ये हमारा मोस्ट नेगेटिव हमको मिला, तो y4 बेसिस से हटेगा। अब हमको रेशियो निकालना है इस रो का जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू से जो कि नेगेटिव है वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को हमको यहाँ पे कंसीडर करना है। ये देखिए जेड जे माइनस सी जे अपॉन वाई टू जे, वाई टू जे इज़ लेस देन ज़ीरो, तो टू अपॉन माइनस फोर और वन अपॉन माइनस थ्री। यहाँ पे आइए टेबल पे देखिए, टू अपॉन माइनस फोर और वन अपॉन माइनस थ्री, ये तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो एक इस रो में देखना है आपको, जो रो हमारी की रो है, ये की रो है। तो हमको रेशियो निकालना है, तो जेड जे माइनस सी जे का, तो टू अपॉन माइनस फोर, वन अपॉन माइनस थ्री, इनमें इनकी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ली, तो टू अपॉन माइनस फोर मीन्स वन बाय टू हो जाएगा आपका, ये वन बाय थ्री हो जाएगा। तो इनमें से मिनिमम जो हमको मिला वो मिला वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री जो है वो वाई टू के कॉरस्पॉन्डिंग वाई टू एंटर करेगा बेसिस में, और माइनस थ्री जो है ये हमने यहाँ पे सर्कल से बताया है आपको, ये y2 एंटर करेगा, y4 हटेगा और माइनस थ्री जो है ये हो जाएगा आपका लीडिंग एलिमेंट, जिसको हमको यूनिटी करना है इस कॉलम के, बाकी एलिमेंट्स को रो ऑपरेशन से आपको ज़ीरो करना है। ये हमारा अगला टेबल आया, इसमें फिर से अब हमको फिर से करना है। तो सी बी वाई वन हमने निकाला, सी बी वाई टू किया, आपने वैल्यूज़ लिख दी जेड जे की, जेड जे माइनस सी जे हमने निकाल लिया, जेड जे माइनस सी जे, फिर आप देख रहे हैं कि सब पॉजिटिव है लेकिन अभी भी एक्स बी वन की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ खाली एक ही है वैल्यू, तो ये वाली जो आपका रो होगी ये की रो हो जाएगी। फिर हम रेशियो निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे अपॉन आप करके फिर से वाई आई जे लेस देन ज़ीरो, वो यहाँ से फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आपको, ये वाली वैल्यू है टू अपॉन थ्री अपॉन माइनस फाइव अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री, दो वैल्यूज़ हैं आपकी नेगेटिव है जो, तो हमने उनको रखा। मिनिमम निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो मिनिमम ऑफ टू अपॉन फाइव और माइनस वन में एब्सोल्यूट वैल्यू हम देखेंगे, तो टू अपॉन फाइव मिनिमम है, तो टू अपॉन फाइव मीन्स की यहाँ पर फिर से देखिए y1 अब एंटर करेगा, ये वैल्यू आपको मिली, ये होगा आपका ये की रो हुई आपकी, ये हटेगा वेक्टर y3, y1 एंटर करेगा और ये होगा हमारा लीडिंग एलिमेंट माइनस फाइव बाय थ्री। उसको हम यूनिट करेंगे, उस कॉलम के बाकी को हम ज़ीरो करेंगे और फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब एंटर ये y1 हो गया, तो उसका हमने कॉस्ट लिख दिया और फिर से आपने सॉल्व किया, तो अब आपको जेड जे माइनस सी जे जो मिले वो सारी पॉजिटिव हैं और यहाँ पे कोई भी बी नेगेटिव नहीं है, मीन्स ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। हैंस द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज एक्स वन इक्वल टू थ्री बाय फाइव, एक्स टू इक्वल टू सिक्स बाय फाइव एंड मिनिमम जेड इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ट्वेल्व बाय फाइव इक्वल टू ट्वेल्व बाय फाइव। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये ड्वेल सिंप्लेक्स मेथड को हमने समझाया और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपने किया, इसको क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेथड को आपको ध्यान में रखना होगा, ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसको बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स हम ज़रूर दूर करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉब्लम्स की। थैंक यू।